कैसे हो आप सब? नहीं, मैं क्या बोलती हूँ, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? अरे, तीन चार दिन के बाद वेलकम बैक कर रही हो ना, तो भूल ही गई मतलब मैं एकदम ही। सॉरी यार, आपको कुकर की आवाज़ आ रही होगी, क्या करूँ, दाल बन रही है अभी। मैं क्या बोलने वाली थी, चलो पहले ना मेरे को फेस वॉश करना, मुझे अपनी शक्ल ही देख के इतना अजीब सा लग रहा है, डर्ट लग रही है मुझे मेरे फेस के ऊपर। पहले मूड होती हूँ, आज दो तीन चीज़ें हैं वीडियो में। सिंपल वाली स्किन केयर करेंगे, चिट चैट करेंगे, एंड आई थिंक मैं वन ब्रांड करने वाली, गुड वाइब्स, नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड। यार सारा सामान आप लोगों ने 500 बार मेरी वीडियो में देखा होगा, 500 बार, ठीक है, सब कुछ मेरी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। मुझे जस्ट आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात करनी है और साथ साथ में स्किन केयर भी हो जाएगी। बहुत दिनों से मैंने ये पाउडर वाली स्किन केयर नहीं की, मतलब लाइक खुद मिक्स करना, खुद बनाना टाइप्स। चलो फिर, बजी बजी सिटी बजी बजी, कोई बात नहीं, सिटी बजे ना बजे, मैं मुंह धो लूँ जरा अपना पहले तो। बस यहाँ पे यार पानी के साथ, नहीं तो आप बाथरूम में इसको जाके गीला कर लो फेस को, नहीं तो यार टोनर लगा लो। हाँ हाँ, गुड वाइब्स का आर्गन टोनर वैसे मैंने लगाया, ठीक है, मैंने फेस को गीला करना था इसलिए मैंने अभी ये टोनर अप्लाई कर लिया। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, बाकी इसको मैं बाद में इसका बताती हूँ इसका यूज़। गुड वाइब्स का ये है ऑरेंज ब्लॉसम स्किन ब्राइटनिंग फेस वॉश। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और क्वांटिटी आप देख ही सकते हो यार, इतनी मैंने इसकी यूज़ कर ली है, जस्ट इतनी बची हुई है। माइल्ड है, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड वाला ये फेस वॉश है, टीनेजर हो ना तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बजी सिटी सॉरी, सुन लो फिर, मैं झूठी बोल रही, मैं हरी वाली दाल बना रही हूँ। आज की वीडियो ऐसी रखते हैं रॉ वर्जन, मैं नहीं अब काटने वाली, सुन लो सिटी एक बार। धो लिया मैंने, हाय अब जाके थोड़ी सी शक्ल साफ लग रही है, डर्टी लग रहा था थोड़ा फेस। क्या कहने वाली थी मैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसके जहाँ पे शूट कर रही हूँ वहाँ पे कुकर की आवाज़ क्यों आ रही है। कंफ्यूज मत हो, मेरी किचन एक बड़ा सा कमरा है जिसको मैंने अपना किचन बनाया था, लाइक हाफ ऑफ द दैट पोर्शन इज वहाँ पे टेबल लगा हुआ है, जो लोग देखते हैं यार उनको पता होगा रेगुलरली ब्लॉग्स वगैरह में भी, उधर मेरा किचन का काम चलता है, तो इस तरफ रूम के इस तरफ ये वाला मेरे काम वाला टेबल लगा जहाँ पर मैंने लाइटिंग वगैरह लगाई है। तो हाँ जी, ये जो एक बड़ा सा कमरा है जिसको मैंने आधा अपने काम के लिए यूज़ करती हूँ, जस्ट एक दरवाजे के इस तरफ छोटा सा कॉर्नर और उस तरफ मेरे किचन का काम चलता है, इधर मेरी अलमारी वगैरह पड़ी है, ठीक है, तो इस टोटली पैक्ड है, ठीक है, कोई बात नहीं, जगह थोड़ी है, हम उसमें जुगाड़ कर रहे हैं, 3 साल हमने यहीं पर बैठ के काम किया, आई एम हैप्पी। जब बाबा जी ने चाहा था वह डकार हो चुका, तो ना अपना एक अलग स्टूडियो रूम बना लूँगी और क्या, हर एक का यही सपना होता है, कर लेंगे। लिविट मुझे था कहीं कुछ लोग कंफ्यूज ना हो जाए, मैं पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दूँ। एक और क्लिप चाहिए। हाँ, आज है 24 फेब और 26 फेब को दो चीज़ें हैं। 26 फेब को, अच्छा मैं साथ साथ में बनाती जाऊँ और आप लोग से बातें करती रहूँ, स्किन साफ होगी ना। चलो मुँह धोते हैं, मुँह मतलब धो लिया मैंने, अब मैं फेस पैक बनाती हूँ, उसके बाद फिर बाकी की स्किन केयर करती हूँ। मैं गाइज यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ऑरेंज रिंड पाउडर। ये लोगों ने इतनी जोर से टीवी लगा दिया, आरफ आरफ के दोस्तों ने मिलके, अरे वॉल्यूम कम कर ले। ऑरेंज रिंड पाउडर, ऑरेंजेस को पहले आप निकालो छिलका, फिर उसको सुखाओ, फिर उसको पीसो, भैया बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता है भाई, बन जा आप, बंद करके आते हैं गैस, रुको फिर सीटी बजेगी, अब डिस्टर्ब नहीं आप होने वाले क्योंकि गैस बंद कर दिया, ज़रूरी था यार, लंच टाइम है ना, तो मैं था कि मैं पहले ये वाला काम कर लूँ, मेरा मन कर रहा था स्किन केयर करने का। गुड वाइब्स का ये ऑरेंज रिंड पाउडर है, इसकी खुशबू मतलब माइल्ड सी आती है, एकदम ऑरेंज जैसी हल्की हल्की सी भी आती है, तो एक चम्मच मैं ये लूँगी। घर पर अगर आप बना सकते हो ऑरेंज पाउडर बना लो, लेकिन यार इतना मतलब टंटा नहीं होता, मतलब नहीं टाइम मिलता, पहले उसको रखो ये करो, मैं तो उसको सुखाऊँ कहाँ पर, मुझे तो यही नहीं समझ में आएगा, मैं छत पर रखूँगी तो आर के फ्रेंड्स इतने आते हैं एंड आई एम नो कि वो उसका क्या हाल कर दें झिलकों का, सो इसलिए यार ये गुड वाइब्स का ले लो बस, सॉर्टेड रहो, और ये काफ़ी इफेक्टिव है। बस एक चम्मच लेने वाली, ज़्यादा नहीं लेने वाली मैं, ठीक है। एंड आपको प्राइस वगैरह, चलो मैं आपको क्या बताऊँ, अच्छा 100 रुपीज़ है, बस 100 रुपीज़ इसका प्राइस है, और आपको 35 ग्राम क्वान्टिटी लगती है ना, अपने एक टाइम पर जस्ट एक ही चम्मच लेना होता है, हल्का सा पानी डालो, यू आर डन,
बट मेरा मन करे मैं इसके अंदर ये भी ऐड करूँ, ये मेरा फेवरेट वाला पाउडर है, मतलब ओह माय गॉड, गुड वाइब्स का सैंडलवुड डी ऑयल्ड पाउडर है, ठीक है, ये मैं लूंगी आधा चम्मच बस, दैट्स इट, सिर्फ दो पाउडर लेने वाली हूँ मैं। उसके अंदर मैं डाल दूंगी यही वाला आर्गन वाला टोनर, आप कुछ भी डाल दो, मिल्क डाल दो, कुछ भी डाल दो जो आपका मन कर रहा है, दही के साथ आप मिक्स कर लो, आज घर पे दही नहीं है, मैं इसी के साथ हल्का से डालूंगी, थोड़ा थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। अच्छा मैं क्या बोल रही थी गाइस, आज 24th है और 26th फेब को दो चीज़ें हैं, एक तो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, यस 26th फेब को मुझे 9 साल हो जाएंगे पति देव से शादी किए हुए, तो 9 ईयर्स हो जाएंगे, और एक वो चीज़ है, और दूसरा YouTube स्टार्ट किए हुए मुझे 3 साल हो जाएंगे, मेरी पहली वीडियो 26 फेब को ही गई थी, तो दो सेलिब्रेशन है, एज सच हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करने वाले यार, हम नहीं करते यार, मतलब नहीं करते, पहले भी नहीं करते थे, तो अब क्या चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो ना, तो पहले भी हम नॉर्मल जैसे होता है, बस एक केक ले आए, कट कर लिए, दैट्स इट, तो वही कुछ है, नथिंग एल्स, मिक्स कर लिया मैंने अच्छी तरह से, और आप लोगों के लिए क्या प्लान है, क्योंकि आपकी वजह से ही सारी खुशियां होती हैं, ये जो मेरे को 3 साल में यूट्यूब में हूँ, आप लोगों ने 8 लाख होने वाले हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन आप सबको पता है, आप लोगों के बिना तो हम लोग ज़ीरो हैं, कुछ भी नहीं है, तो मेरा मन है मैं आप लोगों के लिए गिव अवे के विनर्स अनाउंस करूँ, ठीक है, 10 गिव अवे के विनर्स होंगे, 10 विनर्स होंगे, हर एक विनर को 500 रुपीज़ तक के मैं प्रोडक्ट्स तो नहीं भेजूंगी, मैं आपको ना गाइज गिफ्ट वाउचर्स, मतलब आपको ना पेटीएम कर दूंगी मैं 500 रुपीज़, भाई करेगा पेटीएम, ठीक है, पेटीएम तो सबके पास ही होगा, नहीं तो बस हम आपको ना मनी ट्रांसफ़र कर देंगे 500 रुपीज़। प्रोडक्ट्स इसलिए नहीं खरीदूंगी क्योंकि कई बार आप लोग प्रोडक्ट चूज़ करते हो, कुछ लोग फिर प्रोडक्ट्स मेरे को टाइम नहीं मिलता ऑर्डर प्लेस करने का, टाइम लग जाता ना हर एक ऑर्डर को भी प्लेस करने में, मेरे पास एकदम टाइम नहीं हो पाता कई बार, तो फालतू में डीले हो जाता है फिर वो वाला गिव अवे, तो इसलिए मैंने भाई को बोला था, और भाई ने भी बोला था कि इधर अनाउंस कर शाम तक या अगले दिन मैं सबको पैसे वगैरह उनके दे दूँ, तेरा काम खत्म, मेरा काम खत्म, उनको भी हो कि उनके पास आ गया है अपना जो भी उनको गिफ्ट है उनका, मतलब 500 रुपीज़ आ गए उसमें से आप अपना जो मर्जी करो, ठीक है, ये चीज़ें हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाती है, तो पहले हमेशा गिव अवे विनर्स अनाउंस कर देती थी, 15 दिन मैं उनके ऑर्डर ही नहीं प्लेस कर पाती थी, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगती थी कि 15 दिन क्या जी मैं ऑर्डर ही नहीं प्लेस कर पा रही हूँ, फिर लड़कियाँ पूछती थी दी हमारा ऑर्डर आया नहीं, तो मैं उनको क्या बोलूँ कि मैंने प्लेस ही नहीं किया ऑर्डर, ठीक है, ये चीज़ हो पाती थी, ये चीज़ हो जाती थी, बट इस बार ऐसा नहीं होगा, 10 लकी विनर्स होंगे, तो या अभी तो गाइस मैं 500 तक का ही दे पा रही हूँ, क्योंकि समझो थोड़ा सा धीरे धीरे जैसे और चैनल इंक्रीज़ होगा थोड़ा सा और हम इंक्रीज़ करेंगे, प्लस मेरा ये होता ना कि मैं 500 का दूँ लेकिन 10 जनों को दे दूँ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं यार जिनको मेरा मन करता है मैं दूँ, जो रेगुलर होते हैं, करना क्या आपने मेरे चैनल को बस देखना है और कमेंट्स करने हैं, जितने ज़्यादा आप कमेंट्स कर सको उतना बेटर है, क्योंकि उतना मुझे नज़र आएगा, मुझे क्या पता लगेगा कि आप अपने घर पे बैठ के मुझे देख रहे हो नहीं देख रहे हो क्या कर रहे हो, इसलिए कमेंट्स करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि वही है जो हमें पता लगाता है कि आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हो नहीं देख रहे हो, कमेंट्स के थ्रू मुझे आपका नाम याद रहेगा ना, जितनी बार आपका नाम मेरे सामने आएगा चाहे वो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस हो गए चाहे आपकी यहाँ पे यूट्यूब पे हो गए, तो बस आपके कमेंट्स बार बार देखते हैं ना तो नाम ही याद हो जाता वो वाला नाम ही दिमाग में बैठ जाता है नाम और कुछ नहीं, ठीक है, तो बस यही है, फेस पैक मैंने अपना लगा लिया और चश्मा मैंने डाल लिया, जा रही हूँ मैं उधर क्योंकि मुझे गाइस उधर रूम थोड़ा सा क्लीन करना है, मिलते मैं आपको 20 मिनट्स के बाद जब भी फेस पैक सूख जाएगा, ठीक है, गिव अवे में आप पार्टिसिपेट ज़रूर करो, बस 2 दिन के अंदर ही मैं विनर्स अनाउंस कर दूंगी, ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वैसे तो मेरे माइंड में काफ़ी लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, तो बाकी मेरा मन था कि मैं एक बार विनर्स अनाउंस करने से पहले आपको ज़रूर बता दूं कि चैनल के ऊपर गिव अवे है, ठीक है, ओके देन बाय बाय, कितनी बातें करती है ये लड़की, पर आज मेरा मन था यार इतने दिन से नहीं बोलने आ रही ना चैनल पे इतने दिन से तो चुप मुन हूँ मैं, इतने दिन से आई वाज जस्ट लाइक कि चलो रिलैक्स करते हैं, अब बैक टू बैक वीडियोस करनी है और कुछ नहीं, चलो फिर फेस पैक हो चुका मेरा कम्प्लीटली ड्राई, तो चलो अब मैं इसको थोड़ा सा वॉश कर लूँ, एक्चुअली मैं कुछ और ही काम करने लगे थे तो कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो गया,
फेस मैंने अपना धो लिया, दिख भी रहा है आपको क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता। बस अंदर हो रहा है काम, अभी कर रही हूँ काम, तो चलते अभी हम अंदर। साफ लग रही है आगे, मैं अंदर रूम में एक्चुअली इधर झाड़ू लग रहा था ना, तो इस वजह से फेस अच्छी तरह से क्लीन हो गया मेरा। तो या सबसे पहले अप्लाई करूँगी मैं टोनर, यह है गुड वाइब्स का आर्गन हाइड्रेटिंग फेस टोनर। टोनर ज़रूर लगाया करो, जितने पोर्स होते हैं ना आपके मिनिमाइज होंगे और स्किन हाइड्रेटेड रहेगी और एक नेचुरल ना ग्लो बना रहेगा आपकी स्किन के ऊपर। ये जो एरिया होता है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना आपको राउंड राउंड से पोर्स पोर्स से नज़र आएंगे। रेगुलर लगाओ यार कोई भी चीज़, ये नहीं कि दो दिन लगा दिया चार दिन लगा दिया, तो आप इसको रेगुलर लगाओ आपको अपना फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। गुड वाइब्स के टोनर्स अच्छे हैं, माइल्ड हैं और हर एक को सूट कर जाते हैं, मोस्टली हर एक को सूट कर ही जाएंगे। क्योंकि अब माइल्ड वाला वो इंग्रेडिएंट ढूंढ लो ना, जैसे रोज़ वाला अप्लाई कर लो, हनी वाला यूज़ कर लो, आर्गन वाला यूज़ कर लो, तो टीनेजर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई एम डन विथ माय स्किन टोनर। अब मैं लगाने वाली हूँ रोज़ हिप सीरम, क्योंकि जो भी मैंने फेस पैक लगाया था ना वो अच्छी तरह से मेरी स्किन को क्लीन कर दिया। अब थोड़ा सा इसको मॉइस्चराइज करते हैं। रोज़ हिप सीरम अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है आप इसको ज़रूर ट्राई करो, नहीं ट्राई किया तो। बाकी जो दूसरे स्किन टाइप है ना वो आप इसको ठंड वाले मौसम में तो आराम से लगा सकते हो। मेनली ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा, अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर देती है स्किन को। या अब तो मुझे ये वाला सीरम लगाते हुए पता नहीं 2-2.5 साल हो गया, क्योंकि मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था ना तब मैंने इसकी एक वीडियो डाली थी। डन, साफ लग रही है स्किन। बहुत सही वाला सीरम है यार, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ। मसाज ज़रूर करो इसका, मुझे कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी लगती है। हल्की सी सीरम टाइप से हल्का सा, यू कैन फील हल्का सा जैसे जेल टाइप्स, हल्का सी ऑयली टाइप्स भी है, मतलब सब कुछ मिक्स में है तो अच्छा हो जाता है। स्किन के ऊपर एक नेचुरल सी शाइन आ जाती है, ग्लो आ जाता है। अगर आपको और इसको टॉप अप नहीं करना तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं हल्की सी यहाँ पे क्रीम ज़रूर अप्लाई करूँगी। गुड वाइब्स की सैफरन क्रीम है ये, एंड देख सकते हो आप ख़त्म हो चुकी है, मतलब आधी। ठीक है, और यहाँ पे फेस वो पड़ा था मेरे पास, कल मैंने उसको अप्लाई किया था एक दो दिन से, बड़ा सही लग रहा था। पता नहीं यार गुड वाइब्स का कोई बॉडी बटर था, कहाँ गया देखती हूँ, मैं आपको दिखाती ज़रूर हूँ। कल परसों मेरे को साफ कर रही थी तो वो निकला, तो मैं उसको बड़े दिन से ढूंढ रही थी, वो मेरे मेकअप वाले डब्बे में पड़ा हुआ था। तो कल मैंने सारा कल परसों साफ किया ना, मुझे मिला बड़ा सही वाला बॉडी बटर। रुको अभी दिखाती हूँ, दिखाते हो पहले ये क्रीम लगा लो। रुको बॉडी बटर, मेरी स्किन केयर तो कंप्लीट होगी। और हाँ चलो चश्मा तो लगाऊंगी ना, एंड हाँ ये रहा ये रहा, ये बोल रही थी मैं आपको क्या, चेरी ब्लॉसम, ये है गुड वाइब्स का सॉफ्टनिंग बॉडी बटर, ये बता रही थी मैं। या बहुत सही है ये वाला, लिंक्स आपको सबके मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ज़्यादा थिक वाली कंसिस्टेंसी भी नहीं है और खुशबू हल्की हल्की सी आती है यार, एकदम माइनर माइनर सी ना हल्की हल्की सी खुशबू आती है तो अच्छा लगता है। एंड बहुत मॉइस्चराइजिंग भी है लेकिन चिपचिप टाइप्स नहीं, मुझे बड़ा पसंद आया, बस सिंपल सी बात, मेरे को बड़ा पसंद आया। ठीक है, लेना चाहते हो आप इसको ज़रूर 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 ट्राई करो ये वाले बॉडी बटर को। कंसिस्टेंसी एकदम चिप चिप जैसी भी नहीं है बट इट्स गुड। ओके, स्किन का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे है अभी भी है ना थोड़े से दाग वगैरह से, कोई ना, कर रही हूँ मैं इनको साफ। जब साफ हो जाती हैं फिर मेरे को पीरियड्स आ जाते हैं, फिर पिम्पल्स आ जाते हैं, फिर उसके दाग रह जाते हैं, मतलब दिस प्रोसेस जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मेरा स्किन एक टाइम पर मतलब साफ क्यों नहीं रह पाती, ये जगह थोड़ी सी साफ लग रही है एंड दिस प्लेस इज लाइक थू 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 थू। चलो स्किन थोड़ी सी ठीक लगी, मतलब ठीक है थू ठीक है, बस मत देखो ज़्यादा। क्या करूँ यार एकदम पिंपल्स आ जाते हैं, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है एंड फिर ये दाग रह गया अभी भी, कर रहे हैं। चलो मिलते हो अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइज, एंड या गिव अवे मैंने आपको बोला ना 10 बोले ना, मैंने आपको 10 विनर्स अनाउंस करूँगी
मैं 26th को, अगर हम 26th को कहीं बाहर गए, अभी तक प्लान नहीं मैंने बनाया, आज अभी आने दो आरव के पापा को घर पे, अगर हम 26th को बाहर गए तो लेट्स सी ना यार, मैं सुबह लाइव आ जाऊँगी, देखती हूँ, मेरे को नहीं पता, ठीक है, देखती हूँ, लाइव तो ज़रूर आ जाऊँगी मैं, चाहे 10 मिनट लाइव आने का ना मज़ा नहीं आता मुझे, शायद मैं कोई वीडियो अपलोड करके आपको डाल दूँ, चाहे मैं लाइव ना ही आऊँ, क्योंकि क्या होता है ना लाइव में ना ब्लर आती है वीडियोस, तो मज़ा नहीं आता देखने में, चाहे मैं 10 मिनट्स के लिए लाइव आऊँ देखने। चलो ओके दे, बाय बाय, लव यू। सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहीं पे बैठ के ना एक वीडियो का इंट्रो करती हूँ, हाँ एक वीडियो का इंट्रो करना, मैंने एक नहीं दो वीडियोस का मेरे को इंट्रो करना है, यहीं पे बैठ के करती हूँ, यहीं पे ही करती हूँ, इसी शक्ल में करती हूँ, क्योंकि मेकअप नहीं अभी मुझे करना, अभी मुझे अपनी स्किन को एकदम अच्छी तरह से रखना है, मेकअप में भी मैं आज रात को शूट करूँ, पहले नहीं बोलूँगी नहीं तो मैं शूट ही नहीं कर पाती, मे बी आज रात को, क्योंकि मेरा आउटफिट रेडी है, ज्वेलरी रेडी है, हेयर स्टाइल कैसा करना है मैंने सोच लिया है, आई मेकअप कैसा करना है मैंने वो भी सोच लिया है, एंड इट्स अ डिफरेंट वीडियो, डिफरेंट मेकअप लुक है, मैंने नहीं किया अभी तक ऐसा, मैंने नहीं किया वैसे वाले मेकअप लुक मैंने नहीं किया, या तो लेट्स होप अच्छा जाए, लेट्स होप मैं कर लूँ, नींद आ जाती है जाकर सो जाती हूँ।